jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। फिल्म दंगल की एक्ट्रेस ज़ायरा वसीम 17 से विस्तारा एयरलाइन में छेड़छाड़ करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे मुंबई पुलिस ने यहां रविवार शाम गिरफ्तार किया। उसकी पहचान 39 साल के विकास सचदेव के तौर पर हुई है। ज़ायरा ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लाइव वीडियो शेयर करके किया था। बता दें कि उन्होंने फिल्म दंगल में रेसलर गीता फोगट के बचपन का किरदार निभाया था। पुलिस के डिप्टी कमिश्नर अनिल कुंभारे ने बताया कि विकास को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर लता शिरसत ने बताया कि विकास के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 शील भंग करने के इरादे से महिला पर क्रिमिनल अटैक करना और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। विस्तारा एयरलाइन ने इस घटना पर ज़ायरा से माफी मांगी है। रविवार देर शाम उसकी ओर से जारी बयान में कहा गया, पिछली रात हमारी फ्लाइट में सफर कर रही ज़ायरा के साथ हुई घटना की गहरा दुख जताते हैं। हम इस केस को लेकर सबसे ज्यादा सजग हैं और जांच में शामिल अथॉरिटी की पूरी मदद कर रहे हैं। एयरलाइन की ओर से बताया गया कि विस्तारा ने इस मामले में DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को शुरुआती रिपोर्ट भेज दी है। पुलिस को भी जरूरी डिटेल मुहैया कराई गई है। एयरलाइन की ओर से कहा गया, हमारे सीनियर मैनेजमेंट के मेंबर ज़ायरा से मिलने और जांच में मदद के लिए मुंबई रवाना हो चुके हैं। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचकर ज़ायरा ने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें वे रोती हुई नजर आई। उन्होंने इसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए घटना की जानकारी दी। एक ट्रेस ज़ायरा ने लिखा, मैं दिल्ली से मुंबई फ्लाइट में सफर कर रही थी। पीछे बैठे एक अधेड़ ने 2 घंटे के सफर में मुझे परेशान किया। मैंने इसे अच्छी तरह से समझाने के लिए फोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन केबिन में धीमी लाइट की वजह से ऐसा नहीं कर पाई। करीब 5 से 10 मिनट तक वे पैर से मुझे कमर और गर्दन पर टच करता रहा। ज़ायरा ने वीडियो में कहा, मैंने अभी मुंबई में लैंड किया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं कि आप एक इंसान को ऐसा महसूस कराएं। क्या आप ऐसे ही लड़कियों की रक्षा करेंगे? कोई मदद के लिए नहीं आया। ये बहुत डरावना अनुभव था। विस्तारा के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी से कहा कि ज़ायरा फ्लाइट में सिर्फ को पैसेंजर पर चिल्लाई थी, तब उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। उड़ान के वक्त सभी क्रू सीट पर मौजूद थे। लैंडिंग के बाद क्रू ने ज़ायरा और उनकी माँ से कहा कि वे चाहें तो शिकायत दर्ज करा सकती हैं, पर उन्होंने इनकार कर दिया। विस्तारा फ्लाइट में छेड़छाड़ की घटना के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ज़ायरा वसीम के बयान दर्ज करने के लिए होटल पहुंची। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए एयरलाइन को नोटिस जारी किया। एविएशन मिनिस्ट्री ने भी विस्तारा से डिटेल रिपोर्ट मांगी। महिला आयोग ने विस्तारा को नोटिस जारी किया। 17 साल की ज़ायरा ने 2017 में 10वां क्लास के एग्जाम में 92% मार्क्स हासिल किए थे। सीक्रेट सुपरस्टार के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला।